हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में इतने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ऐसा हमने क्यों किया? कृपया तो 5 साल के लिए बीता थी और जब हमारा चुनाव 2027 में होना था तो 5 साल में हमने गलतियों को पूरा करना। ऐसे इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है वो करती। राजीव गांधी हमारे डे बोर्डिंग स्कूल बन गए। फर्स्ट कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम को स्टार्ट कर दिया जो गलतियों में लिखा। गलतियों के बाद प्रदेश के समाज के उन वर्गों की सेवा करने का दायित्व भी उस राज्य सरकार का है जो इन गलतियों के अलावा वंचित रह जाते हैं। और मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, 5,000 बच्चे हमारे अनाथ थे जो गलतियों में नहीं थे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने उन्हें कानूनी अधिकार 27 साल तक उन बच्चों की सरकार की माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। हम तो उससे भी आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां किसान को लाभ पहुंचाने के लिए प्राकृतिक खेती से पैदा हुआ मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 30 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया गया है, सिर्फ MSP। गेहूं का प्रकृति खेती से आधारित MSP 40 रुपए किलो किया गया, भारत सरकार के प्रेशर के साथ कर दिया। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां दूध का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 45 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है सरकार के। फैलो भैंस का दूध का मुझे 55 रुपए निर्धारित किया। देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है 58 साल से ऊपर जो भी हमारी जनता है, पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे रिटायरमेंट के बाद जो किसान है, उसको हम 1500 रुपए नहीं देते। 58 साल से ऊपर हिमाचल प्रदेश की छोटी जनसंख्या, 75 लाख के करीब हमारी जनसंख्या कम होनी शुरू हो चुकी है। हम सब 58 साल से ऊपर जो भी परिवार के जितने भी सदस्य है, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है तो 1500 रुपया हम हर परिवार को दे रहे हैं। लेकिन जो कहा है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक प्रदेश की बैठक करके उनसे गारंटी के बारे में पूछते हैं।